छह दशक से ज्यादा समय के बाद आज भी इन गीतों की लोकप्रियता में जरा भी कमी नहीं आई है और इनकी मकबूलियत अब तक कायम है। होली आई रे कनाई रंग झलके सुना दे जरा बांसुरी। लेकिन जब नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और मन्ना डे जैसे गायक गायिकाओं के गानों से सजी फिल्म मदर इंडिया रिलीज हुई, तब उस समय के अखबारों और पत्रिकाओं में इस फिल्म के गानों की खूब आलोचना हुई थी। लेकिन आम लोगों पर इस फिल्म के गानों ने जादू कर दिया था। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर। इस वीडियो में आपको मदर इंडिया और इस फिल्म के गानों के बारे में ऐसी जानकारियां देने जा रही हूं, जिन्हें सुनकर आप इन गायक गायिकाओं की तरह जज्बाती हुए बिना नहीं रहेंगे। तो आप बस बने रहिए हमारे साथ। तो मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल ग्रेट लीजेंड्स। दोस्तों, वर्ष 1957 में दिवाली के मौके पर 27 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म मदर इंडिया को बॉक्स ऑफिस पर बेमिसाल कामयाबी मिली थी। इस फिल्म के गानों ने तो धूम मचाया ही, साथ ही इन गानों का फिल्म की कामयाबी में बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन उस समय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित फिल्म समीक्षकों ने मदर इंडिया के संगीत की खूब आलोचना की। वैसे तो इन पत्र पत्रिकाओं में फिल्म के निर्देशक महबूब खान समेत बाकी चीजों को सराहना मिली, लेकिन फिल्म समीक्षकों ने संगीतकार नौशाद की तो बकायदा बैंड ही बजा दी। अंग्रेजी फिल्म पत्रिका फिल्म फेयर के 22 नवम्बर 1957 वाले अंक में प्रकाशित समीक्षा पढ़कर आप समीक्षक की समझ पर सिर पीटने लगेंगे। इस पत्रिका में लिखा गया, इस तरह की फिल्मों में संगीत की खास अहमियत होती है, मगर अफसोस की बात है कि इस जज्बाती ड्रामे को बेहतर बनाने में इसका कोई योगदान नहीं है। सच तो ये है कि इस फिल्म के गीत नौशाद जैसे नामी और बड़े संगीतकार की शान में कोई इजाफा नहीं करते। उस पर सितम ये कि ढेर सारे गाने हैं और ज्यादातर गलत तरह से इस्तेमाल हुए हैं। ये तो थी समीक्षक की राय, लेकिन इस फिल्म के गानों पर आवाम का फैसला आया ठीक इसके उलट। समीक्षक जिन गानों की आलोचना कर रहे थे, उन गानों ने आम लोगों पर जादू कर दिया था। ना मैं भगवान हूँ, ना मैं शैतान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे सम दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर। इस फिल्म के सदाबहार गीतों के बनने की कहानी सुनने से पहले एक सच्चाई को ध्यान में रखना जरूरी है। गांव, गांव के खेत, खेत पर हल चलाता किसान और गांव की गोरी, इन सब के साथ सदा से ही इतने गीत और इतना संगीत जुड़ा हुआ रहा है कि बिना गीत संगीत के गांव की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसी को ध्यान में रखकर महबूब खान ने गीत संगीत पर खूब तवज्जो दिया। तकरीबन 3.25 घंटे की इस फिल्म में पूरे 42 मिनट और 30 सेकंड इन गीतों के हिस्से आए हैं। सुख भरे दिन बीते रे भैया, तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। पर्दे पर कमोबेश हर गीत अपने होने की वजह खुद बताने के साथ ही कहानी को भी आगे बढ़ाने में मदद करता है। सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। मदर इंडिया के अधिकांश गीत भी लोक गीतों पर आधारित हैं। धुने तो धुने, गीतों के बोल तक वहीं से लिए गए हैं और उनके विचार को नया रूप दिया गया है। इस फिल्म में खनकती आवाज की मल्लिका शमशाद बेगम और सह गायिकाओं के गाए गीत पीके घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, इसके बारे में बताया गया था कि इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान शमशाद बेगम और बाकी सह गायिकाएं ऐसी जज्बाती हो गईं कि गाना बंद करके रोने लगीं, जिसके कारण गाने की रिकॉर्डिंग रुक गई। इस गीत के बनने के बारे में संगीतकार नौशाद साहब ने कहा था, इस गीत से पहले मुझसे महबूब साहब ने कहा, नौशाद, गरीब किसान की बेटी अपने वालिदैन यानी माँ बाप के घर से विदा हो रही है,
उसको बहुत कम जहेज यानी दहेज मिला है। बैलगाड़ी में बैठी अपने पिया के घर जा रही है, मगर उसे ये एहसास है कि मेरे वालिदैन ने मुझे सब कुछ दे दिया है। जब मैंने महबूब साहब की ये बात सुनी तो मुझे हजरत अमीर खुसरो का गीत याद आ गया, जिसके बोल हैं, सुंदर सारी मोरी मायके में मैली भई, का लेके जाऊं गवनवा हाय राम। फिल्म मदर इंडिया के इस गीत में हजरत अमीर खुसरो के इसी ख्याल के आधार पर शकील साहब ने इस गीत को कुछ इस तरह पेश किया। कोई गुण ढंग न मुझ में कोई बात है, मोरी चूड़ियों की लाज अब तोरे हाथ है। नौशाद साहब ने इस गीत के बारे में आगे क्या बताया, ये भी आप सुन लें। नौशाद साहब ने कहा, इस गीत को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो बड़ा जज्बाती मंजर देखने में आया। गाना रिकॉर्ड होते होते गाने वालियों की आवाजें गायब हो गईं। हम समझे कि मशीन में कोई गड़बड़ हो गई, मगर जब गुलुकारों की तरफ देखा तो सब रो रही थी, हिचकियां बधी हुई थी। मैं रिकॉर्डिंग केबिन में गया। मैंने शमशाद बेगम और कोरस गाने वाली लड़कियों से पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? शमशाद बेगम बोली, नौशाद साहब, मेरी बच्ची भी जवान है और शादी के लायक है। गीत गाते गाते अपनी बच्ची की रुखसती का ख्याल आ गया, ये भी तो जवान लड़कियां हैं, इनके भी जज्बात उमड़ आए। मैंने चाय लाने का ऑर्डर दिया। चाय का दौर चला तो मैंने शमशाद बेगम से कहा, ये रिकॉर्डिंग हम कल कर लेंगे। शमशाद बेगम कहने लगी, जी नहीं, आज और अभी कीजिए, इस गीत में जिन जज्बात को होना चाहिए वो आज ही मिलेंगे। इस फिल्म में शमशाद बेगम के इस गीत को मिलाकर कुल 11 गीत थे। शमशाद बेगम ने एक होली गीत भी गाया था। उन दिनों इस गीत के बिना होली का त्योहार पूरा ही नहीं होता था। होली आई रे कनाई रंग झलके सुना दे जरा। शमशाद बेगम ने मोहम्मद रफी के साथ ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाकरे गाया, जो खूब लोकप्रिय हुआ। गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाकरे हटपुट करते चमचम करती गाड़ी हम। इसके अलावा लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफी के साथ ये गीत गाया, मतवाला जिया डोले पिया। मतवाला जिया डोले पिया झूमे घटा छाए रे बादल, करना है तो कर प्यार न डर। मोहम्मद रफी ने एक एकल गीत भी गाया, जिसे सुनील दत्त पर फिल्माया गया, ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे। आपको बता दें कि महबूब खान ने इस फिल्म को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में बजट से कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर दिया था, और इस फिल्म को बनाने में जितना खर्च हुआ उसके मुकाबले बहुत कम में ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच दिया। वो उसूल के पक्के आदमी थे, सो डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे बढ़ाकर नहीं मांगे और बाजार से भारी ब्याज पर कर्ज लेते चले गए। फिल्म को जबरदस्त सराहना मिली। हाउसफुल शोज के नजारे आम थे, लेकिन महबूब खान की तिजोरी कर्ज की पर्चियों से भरी हुई थी। लेकिन महबूब खान की तकदीर रंग लाई और फिल्म टैक्स फ्री हो गई। बंबई के तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंत राव बलवंत राव चौहान को मदर इंडिया दिखाई गई। वो फिल्म से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने फौरन ही फिल्म को बंबई में मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया। उस वक्त फिल्म के कर मुक्त होने का लाभ दर्शकों को नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को होता था। दर्शकों से वसूला गया टैक्स उसके पास जाता था। मजे की बात यह है कि इस फिल्म के बंबई डिस्ट्रीब्यूटर खुद महबूब खान थे, सो माल सीधे खाली तिजोरी की तरफ आने लगा। लेकिन इनकम टैक्स वालों ने इस इनकम पर टैक्स मांग लिया। महबूब खान इसको अपना इनाम मानते थे, लिहाजा उन्होंने टैक्स देने से इनकार कर दिया। 1959 में शुरू हुआ ये विवाद पूरे 15 साल तक चलता रहा। 1974 में जाकर फैसला महबूब खान के हक में आया, लेकिन उस वक्त महबूब खान को गुजरे कोई 10 बरस बीत चुके थे। तो दोस्तों, फिल्म मदर इंडिया के गीत संगीत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?